हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से दिल्ली गवर्नमेंट की स्कीम के अंतर्गत आप दिल्ली के किसी भी बड़े से बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में 5 लाख तक का ट्रीटमेंट और फ्री टेस्ट करवा सकते हैं, और साथ ही साथ क्या इसका प्रोसीजर रहेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और वीडियो को उन साथियों तक शेयर कर दो जिनको इसकी ज़रूरत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, दिल्ली सरकार को इस फ्री ट्रीटमेंट स्कीम को निकाले 5 साल हो गए हैं और मुझे इसके बारे में हाल ही में पता चला है, और मेरी तरह बहुत से लोग हैं जिनको इस स्कीम के बारे में अभी तक नहीं पता। तो आप इस स्कीम का लाभ 2 तरीके से उठा सकते हैं, जिसमें से पहला है कि डायरेक्ट विज़िट हॉस्पिटल। इसका मतलब है इसमें आपको उस हॉस्पिटल में जाना है जिसमें आपको इलाज करवाना है। इसके लिए आपके पास राशन कार्ड होना अवश्य है। आपको उस हॉस्पिटल के सहायक डेस्क पे जाना है और उनको बोलना है कि हमें बीपीएल कार्ड के अंतर्गत इलाज करवाना है। वो आपको एक फॉर्म देंगे, उसको भरना है और उसके साथ राशन कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगानी है, और जिसका इलाज करवाना है उसके आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगानी है। इसके बाद आपका इलाज चालू हो जाएगा, परंतु यह तरीका किसी किसी हॉस्पिटल में ही मान्य है। दूसरा तरीका है जो मुझे लगता है पहले तरीके से ज़्यादा बेहतर है। इसमें आपके पास उस हॉस्पिटल में इलाज कराने का प्रूफ रहता है। इसमें आपके पास राशन कार्ड या इनकम सर्टिफिकेट दोनों में से किसी एक का होना ज़रूरी है। इसी के माध्यम से आपका फॉर्म भरा जाएगा। तो स्क्रीन पर जो डिपार्टमेंट के नाम की लिस्ट है उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो डिपार्टमेंट का पता है आपको अपने हिसाब से जो पास लगे वहाँ पर सुबह 6 बजे जाना है। वहाँ पर 50 से 100 टोकन बढ़ते हैं। टोकन लेने के बाद 10 बजे डिपार्टमेंट खुलता है, उसके बाद वे आपको टोकन से बुलाएंगे। परंतु आपको यह ध्यान में रखना है कि जिस पेशेंट के नाम पे फॉर्म भरा जाएगा उनके परिवार का एक सदस्य वहाँ पर होना ज़रूरी है, क्योंकि उनसे पेशेंट के साथ क्या संबंध है वह पूछेंगे। इसके बाद आपका एक फॉर्म भरेंगे जो इस तरह से होगा। इसके बाद जिस हॉस्पिटल में आपको इलाज करवाना है उसका नाम लिखेंगे और इसके साथ राशन कार्ड या इनकम सर्टिफिकेट की एक फ़ोटोकॉपी लगेगी, और वह अपनी डिपार्टमेंट की मोल लगा देंगे। इस तरह से आपका फॉर्म पूरा हो जाएगा और आप इस तरह उस हॉस्पिटल में अपने या अपने परिवार का इलाज करवा सकते हैं। परंतु याद रहे, इस फॉर्म को आपको 6 महीने बाद उसी डिपार्टमेंट से रिन्यू करवाना होगा। यह रही आपके सामने दिल्ली के हॉस्पिटल की लिस्ट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने हिसाब से चुन लीजिए कि किस हॉस्पिटल में आपको इलाज करवाना है। तो इस तरह से मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर कर दो जो पैसे ना होने के कारण प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना या अपने परिवार का इलाज नहीं करा पाते। तो दोस्तों, इस डेटा को कलेक्ट करने के लिए मेरा बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा है, तो मेरे इस एफर्ट के लिए आपका एक सब्सक्राइब करना तो बनता है। अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक करना। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे आते रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज। बाय बाय, टेक केयर।